जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में तीन अलग अलग जगहों पर भारतीय सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है, जो अभी तक के कुछ बड़े इनकाउंटर्स में से एक है और इस दौरान कुल 4 आतंकी मारे गए। हालांकि भारतीय सेना को भी 2 जवानों की शहादत देनी पड़ी, लेकिन बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। साथ ही जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी की शनिवार को रैली से पहले सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 2 जगहों पर मुठभेड़ जारी है। तो ऐसे में चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बारामूला से शनिवार सुबह एक अच्छी खबर आई, जिसमें सेना के जवानों ने मुठभेड़ के बाद 3 आतंकियों को मार गिराया। लेकिन एक दिन पहले ही किश्तवाड़ में सेना को अपने 2 जवानों की शहादत देनी पड़ी थी। ऐसे में 24 घंटे के अंदर ही भारतीय सेना ने इस अटैक का बदला लेते हुए 3 आतंकियों को मार गिराया और अभी भी बारामूला के तपर इलाके में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सोर्सेस के मुताबिक अभी भी वहां 2 आतंकियों को सेना ने घेरा हुआ है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारतीय सेना इन आतंकियों को चुन चुन कर खत्म कर रही है। वहीं इससे पहले शुक्रवार सुबह जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी। कठुआ के खंडारा इलाके में एक ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। इसके बाद दोपहर करीब 3:30 बजे किश्तवाड़ में सेना के जवानों ने एक दूसरा ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें सेना ने किश्तवाड़ के एक इलाके को इन्फॉर्मेशन के बेस पर घेर लिया था। ऐसे में चारों तरफ से खुद को घिरा पाकर आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी थी और इस घटना में भारतीय सेना के 2 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। साथ ही 2 दूसरे जवानों को भी गोली लगी, जिनका इलाज चल रहा है। और अब शनिवार सुबह सेना ने इस शहादत का बदला लेते हुए बारामूला में इन्फॉर्मेशन के बेस पर तीसरा ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें 3 आतंकी मारे गए। वहीं जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ये पहला मौका है जब केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में आतंकियों के साथ मुठभेड़ से ये साबित होता है कि वो चुनाव से पहले घाटी के अलग अलग जिलों में कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे, लेकिन सेना और पुलिस की मुस्तैदी के चलते समय रहते उनके प्लान को नाकाम कर दिया गया और अभी भी ऑपरेशन जारी है, जिससे बचे हुए आतंकियों को भी खत्म किया जा सके। इसलिए कई जगहों पर सेना और पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है और इस दौरान बड़ी मात्रा में वेपन्स भी बरामद हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये ऑपरेशंस ऐसे ही जारी रहेंगे जब तक आतंकियों का खात्मा नहीं हो जाता। लेकिन अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं, तो आपको हमारे चैनल पर ऐसी और भी कई वीडियोस मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।